नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। काफी लोग का ये डाउट रहता है, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम SFD और BMD को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि लेक्चर्स ज्यादा हों, 8-10 लेक्चर जाए क्वेश्चंस और थ्योरी मिला के, पर हाँ आज शुरुआत हो रही है एक नए लेक्चर की। स्टेनडम मेटेरियल की काफी लोगों की डिमांड रही है, तो स्टेनडम मेटेरियल में हमने मोहर सर्किल और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में कराया है। अब उसको एक बार देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेन SFD और BMD स्टार्ट कर रहे हैं। मेटेरियल प्रॉपर्टीज में भी काफी लोग को डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आसान चीजें होती, प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। तो अगर ठीक है, प्रॉपर्टीज भी हम लेकर आएंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज भी हम डिटेल में कराएंगे, पर आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे क्वेश्चंस आता ही है, ये ध्यान रखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा। वो फॉर्म आपका रूप बदल के आएगा, भूत है भाई तो रूप बदल के आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की सारी बारीकियों को समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। SFD और BMD ड्रॉ लोग समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। अरे यार कोई नई चीज नहीं, बहुत आसान बातें हैं, बस आज आपको आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले, तो ध्यान रखिए लेक्चर बहुत ही मजेदार, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप क्या करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सके और उनको फायदा हो। तो आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करें, ढेर सारा कमेंट दें, ढेर सारा प्यार करें, तो इजहार करें। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, छूना ही तो है यार, टच स्क्रीन वाली मोबाइल से देख रहे हो तो, अगर लैपटॉप है तो क्लिक कर दीजिए। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल गिरजेश तिवारी लर्निंग पॉइंट को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए, फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत और शानदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, SFD एंड BMD, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। शुरू करते हैं, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। SFD एंड BMD, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने बीम्स एंड ट्रसेस का एक लेक्चर लिया, बीम्स एंड ट्रस को हमने डिटेल में आपको कराया, एक बार देखिए। तो यार मैकेनिक्स के कोने कोने को हमने डिटेल में कराया, स्टैटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, डायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस SFD मतलब बीम एंड ट्रस के बाद स्टैटिक्स पोर्शन को हमने कवर कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स पोर्शन। तो मैकेनिक्स चल रहा है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SFD एंड BMD। अब कैसे ये समझते, तो एक हमने वर्ड पढ़ा बीम। बीम क्या था, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम को एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के लिए डिजाइन हो, या जिस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहे हो। बीम कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, बीम में मोशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन जरूर होगा, लोडिंग आएगी तो लोड से डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो खैर, तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता था जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड को कैरी करने के लिए डिजाइंड होता था। बीम को हमने डिटेल में कराया, बीम के टाइप्स। अब लोड देखे, लोड की बात करें तो लोड कंसंट्रेटेड लोड हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिएंग हो सकता है, बदले भी तो यूनिफॉर्मली वेरिएंग और नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएंग भी हो सकता है, और इसी बीच में कपल भी आपका एक लोड है, कपल भी क्या है, एक लोड। तो टाइप्स ऑफ लोड को भी हमने डिटेल में आपको बीम्स के लेक्चर में बहुत डिटेल में कराया। कंसंट्रेटेड लोड का क्या मतलब है और सारी चीजें तो हमने बहुत डिटेल में कराया, आप बीम्स के लेक्चर को जरूर देखें। इस लेक्चर को करने से पहले बीम्स, पहले बीम जाने तो क्या बातें है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होती है, ये सारी चीजें आप समझिए तो एक बार बीम में जाकर, तो कौन सी बीम स्टेबल होगी, कौन सी अनस्टेबल होगी, कौन डिटरमिनेट होगी, कौन इनडिटरमिनेट होगी, हमने पूरा डिटेल में आपको बीम्स का लेक्चर कराया।
तो बीम आप पूरा डिटेल में देख लें। अभी अगर नहीं देखे तो आप मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं और बीम्स एंड ट्रस के पहले दूसरे तीसरे सारे लेक्चर्स को आप डिटेल में देखें, फिर शुरू करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी। बासन तो अब हम क्या करने वाले बीम्स, अब आप बीम पर लोडिंग समझ लिए, टाइप्स ऑफ बीम भी हमने डिटेल में कर। टाइप्स ऑफ बीम में सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, एक एंड आपका पिन सपोर्ट हो, एक तरफ क्या हो रोलर सपोर्ट हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम मोर देन टू सपोर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस बीम्स, फिक्स बीम दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट हो, फिक्स बीम, ये सारे डिटेल्स में हमने कराया। बीम विद ही इंटरनल हिंज भी हमने कराया, बीम विद इंटरनल हिंज भी डिटेल में, तो सारे बीम्स के क्लासिफिकेशन भी हमने आपको डिटेल में वहां पे कराया है। बीम के लेक्चर देखे, फिर वही चीज बार बार करने का कोई मतलब। तो अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि मतलब शुरुआत कहां से होगी, स्ट्रेंथ एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब एक बात बताइए, ऐसे सिंपल सा किस चीज को हम पहले समझे, तो शियर फोर्स क्या समझते हैं आप, शियर फोर्स का मतलब आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक मेंबर है, कोई एक मेंबर है, इसको आप ऐसे खींचे या इधर से धक्का दिए ऐसे, और इधर से उसको रजिस्ट करने के लिए धक्का, देखिए धक्का दोगे मूव कर जाए तो फिर बात तो बदल, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उधर से रेजिस्टेंस भी हो, इधर से पी लोड लगाए, इधर से पी लोड लगाए, और जब ऐसे इसको धक्का देना चाहेंगे, ऐसे जब आप धक्का देना चाहेंगे तो ये जो ऐसे मोटा सा गुटका है, ये जो आपका एक मोटा सा ये क्या है गुटका है, इसका इसका आप देखेंगे ये सरफेस आपका क्या करना चाहेगा, यहां का ये जो सरफेस है ये एक्चुअल में सरक जाना चाहे, जब आप ऐसे धक्का देना चाहेंगे तो ऐसे इसका ये प्लेन इसका क्या करना चाहेगा, सरक जाना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप धक्का दोगे तुरंत ये प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये एक मोटा सा, ये ऐसे सरक जाना चाहेगा। आप सोचिए कि ये आपके आइसक्रीम का एक क्यूब है, इधर से चाकू कट किए तो ये क्या कर रहा है, उसके प्लेन के टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। अब अगर आप किसी चीज को ऐसे ही मान लीजिए कोई क्यूब है, आइस क्यूब ही समझिए, आइसक्रीम का क्यूब है, खरीद के लेके आए तो काटने के लिए कैसे काटोगे, इस पर जब चाकू ऐसे रखोगे तो जो सरफेस कट रहा है, जो सरफेस कट रहा है उसके परपेंडिकुलर आप क्या कर रहे हो फोर्स लगा, सॉरी उसके टेंजेंशियल आप फोर्स लगा रहे, उसके टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगा रहे। तो किसी भी प्लेन के टेंजेंशियल, किसी भी प्लेन पर उसके टेंजेंशियल जो फोर्स होगा वही शियर फोर्स का, प्लेन को टच करता हुआ जो बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, शियर फोर्स। अब इसी चीज सिचुएशन में मान लीजिए ये ऐसे मेंबर है और इस पर हमने ऐसे तिरछा फोर्स लगाया, इस पर हमने क्या किया एक तिरछा फोर्स लगाया इस सरफेस पर, इसका जो फोर्स लगाया उसका cos कंपोनेंट f cos थीटा ऐसे होगा और f sin थीटा क्या होगा ऐसे होगा। तो अब ध्यान रखिए जो उस प्लेन के along कंपोनेंट है वो तो इसे सरकाना चाहेगा, वो इस प्लेन को क्या करना चाहेगा सरकाना, और जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर जो f cos थीटा है ये क्या करना चाहेगा इसको ऐसे खींचना चाहे। अब ये है कि ये खींच जाएगा कि नहीं खींचेगा वो इसकी क्षमता बताएगी। अरे भाई जैसे क्या है कि कोई भी मसल्स है, कोई भी आपके हाथ की मसल्स है ऐसे इस पर टच करके अगर चाकू निकल गया तो चाकू क्या करता है छील देता है, क्या करता है सियर कराना चाहता है। अगर कोई ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचे तब कोई ऐसे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर खींचे तो क्या होगा नॉर्मल ऐसे फैला देना चाहता है, वो अलग बात है कितनी इसकी कैपेबिलिटी है कि ये खींचेगा नहीं। आप खींचते जा रहे हो खींचते जा रहे हो एक ऐसी क्षमता आएगी, एक ऐसा समय आएगा कि खिंचाव नहीं सह पाएगा और इतना मास निकल के ऊपर की तरफ चला जाएगा।
ऐसे स्लाइड करा देना सियर, मतलब प्लेन के टेंजेंशियल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सियर, और प्लेन के नॉर्मल जो होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता। तो किसी भी प्लेन में दो ही तरीके के फोर्स लगा सकते हो, एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाता है, वो कंप्रेसिव और टेंसाइल हो सकता है, और सियर सरकाने की कोशिश करता है। सियर प्लेन को क्या करना चाहता है, सरकाने की कोशिश। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो साइन कंपोनेंट है वो इस मेंबर को हर जगह हर एक प्लेन को सरकाने की कोशिश करेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सियर फोर्स क्या है, द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सरफेस, द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सरफेस। कुल मिला जुला के सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वही क्या है, सियर फोर्स है। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई एक बार है और यहां पर आपने ऐसे रिएक्शंस ऐसे लगाए, कोई एक बीम है, बीम कैसे बोल रहे हैं सर, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है, लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ तो ऐसे है और जो लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर है, तो ये बीम है। अब अगर हम यहां पर खड़े होके पूछे भैया इस सेक्शन का तुम क्या करोगे, इससे पूछे कि इस सेक्शन का तुम क्या करने वाले हो, या इन्हीं से बोलो, किसी एक से पूछो, दाहिने साइड से पूछो या क्या है बाएं साइड से पूछो, आंसर सेम मिलेगा, टेंशन ना लो। तो ये इस प्लेन को क्या करना चाहता है, ये चाहता है, पहली बात कि ये चाहता है कि ये टुकड़ा इतना, यहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये चाह रहा है कि इतना टुकड़ा सड़क के ऊपर चला जाए। पहली बात इस प्लेन में इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या आएगा कि इतना टुकड़ा ऐसे सड़क के ऊपर चला जाए। और दूसरी बात कि अगर ये सड़क नहीं सकता, कह रहा हम मजबूत हैं सरकने में, हम बहुत जल्दी सरकेंगे नहीं, एक्चुअल में ये ऐसे चाहेगा कि ये इतना पोर्शन क्या हो सड़क के ऐसे, यहां से पूछे तो ये कहेगा ऐसे ऊपर सरका देंगे, ये कहा नहीं हम बहुत मजबूत हैं, तो कहा कि हम तुमको मोड़ देंगे। इस प्लेन से पूछे कि क्या हाल है भैया, तो कहेगा ये कह रहा सरक जाओ, तो हम अगर मजबूत हैं तो ये भी कह रहा है कि जब सरकोगे नहीं तो मोड़ेंगे भी। इसको आप सोचिए कि ये ऐसे क्या करना चाह रहा है, मोड़ देना चाह, ये इस मेंबर को मोड़ देना चाह। तो इस प्लेन में शियर भी है और बेंडिंग मोमेंट भी, इस प्लेन में इसकी वजह से क्या है, सियर भी है और क्या है, बेंडिंग मोमेंट भी, ठीक है। अब मोमेंट में एक्चुअल में कपल ही होता है, रेजिस्टिंग कपल। अब यहां पर किसको टॉर्क बोलेंगे, किसको बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, लेकिन मोमेंट का लेक्चर जरूर देखें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोमेंट का लेक्चर आप देख लेंगे ना, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसका क्या है, लेंथ के अलोंग एक्सिस है। इसके अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कपल को टॉर्क कहते हैं। द कपल अबाउट क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ऐसे निचोड़ रहे हैं ना, कपड़े ऐसे निचोड़ते हैं ना वैसे, तो ऐसे। अब ये मत कहना सर इधर क्यों कर दिए, अरे भाई इधर ऐसे उल्टा नहीं घुमाएंगे ना, तो ये घुमाया वो आगे बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो डिफॉर्मेशन की बात ही क्यों होगी। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा था, ये क्या है, टॉर्क। लेकिन अगर यही मेंबर और उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है। अब इसके इस प्लेन में भी दो एक्सिस हैं, इसके इस प्लेन में, सर्कुलर प्लेन में भी दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस आपकी तरफ बोर्ड के ऐसे बाहर और एक वर्टिकल। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई मोमेंट लगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगे, मतलब कपल लगे, ऐसे इसका उल्टा भी यहां लगाना पड़ेगा,
ऐसे, तो ये ऐसे, तो क्या ये जो एक्सिस है ये एक्चुअल में ऐसे फेस है आपकी तरफ, ऐसे फेस है। अब इस फेस में दो लाइंस हैं, एक ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे। इस फेस में आपके पास दो लाइंस है ऐसे ऐसे, तो दोनों लाइंस के। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को छोड़कर दो और जो एक्सिस है, तो एक इसके अबाउट अगर हम लगाए ऐसे, तो ये क्या करना चाह रहा है, इस मेंबर को बेंड करा देना, घुमा ट्विस्ट नहीं कराना चाहता। तो ऐसा क्या होगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ भी है, उसके परपेंडिकुलर ऊपर भी है, आपकी तरफ भी है और ऊपर भी है, तो लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स एक्सिस, ये होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कपल को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। जो ट्रांसवर्स, अब इसी के बजाय ऐसे घुमाने के, भाई इस मेंबर को हम ऐसे घुमाने के बजाय ऐसे भी तो घुमा सकते थे, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कपल जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अब इसी में अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट बात करें ऐसे, जो वर्टिकल है ऐसे, ये ऐसे पीछे की तरफ घुमा देना चाहे, ये इसको ऐसे क्या करना चाहेगा, पीछे की तरफ मोड़ देना चाहे, ये ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ना चाहेगा, ये ऐसे पीछे की तरफ मोड़ गए, पर वो भी क्या है, ये भी क्या है, बेंडिंग मोमेंट ही है, ये भी क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, तो इधर भी बेंड कर सकते हैं। अरे भाई वायर है तो पीछे भी बेंड कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी बेंड कर सकते हैं। ये वाला मोमेंट आपका जो होगा वो ऊपर नीचे मोड़ना चाहेगा ऐसे, मतलब उस समय मेंबर ऐसे बन जाएगा, और जब ये वाला अप्लाई करेंगे तो ये अंदर, ये दोनों सिरा अंदर घुस जाएगा, बात समझ में आ रही। तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट कपल को टॉर्क कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कपल को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। दो डिफिनेशन हमने आपको क्लैरिटी के लिए दिया, सिर्फ दो डिफिनेशन। पहला, किसी भी प्लेन में ट्रांसवर्स फोर्स को, किसी भी प्लेन में ट्रांसवर्स फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं, और किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस के ऑर्डर, देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा प्लेन में ही, क्रॉस सेक्शन में ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां पर अगर हम ऐसे एक्सिस कट करें तो ये जो लंबाई वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो इस फेस के परपेंडिकुलर होगा, और ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, प्लेन में होगा। तो किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस, दो एक्सिस होंगे ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर, मैक्स कुछ भी हो सकती है, पर उस फेस में दो परपेंडिकुलर रहे, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट को बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं किसी भी प्लेन में, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा और भी बातों को हम क्लियर कर रहे हैं। देख लीजिए सब लोग, समझ लीजिए चीजों को। चलिए अब आइए, एक बीम है, एक हमारे पास क्या है, बीम है ऐसी। जब बीम बोल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कोई ना कोई ट्रांसवर्स लोडिंग तो होगी ही हो। ऐसे हमने मान लीजिए कि यहां पर पी लोड लगाया हमने, एकदम बीचों बीच में पी लोड लगाया, तो यहां पर पी बाई टू रिएक्शन होगा, यहां पर पी बाई टू रिएक्शन होगा सिमेट्री की वजह से। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं अभी, यहां पर पी लोड लगाया, यहां पी बाई टू रिएक्शन, यहां पी बाई टू रिएक्शन। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस प्लेन में आप एनालिसिस करके बताओ, इस प्लेन में अगर हम एनालिसिस करके बात करें तो इस
इस प्लेन में पी बाई टू ही तो इसको सरका देना चाहता है। तो इस प्लेन में अगर हम टेंजेंशियल फोर्स पूछें तो इस साइड बाएं साइड देखेंगे तो पी बाई टू सरका देना चाहता, अगर हम दाहिने साइड देखें तो पी, भाई चाहे बाएं साइड देखो चाहे दाहिने साइड देखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला। लेकिन हम जिधर नदी की मामला होगा उधर से देख लेंगे। तो हम इस प्लेन में खड़े हुए और बात पूछिए कि भैया क्या हाल है, तो इसने कहा कि पी बाई टू हमें सरका देना चाहता ऊपर, और अगर इस साइड देखते तो पी नीचे है पी बाई टू ऊपर है, तो नेट पी बाई टू इधर भी तो नीचे ही है, ये पी बाई टू इधर अगर इस प्लेन में देखे तो ये नेट पी बाई टू नीचे सरका देना चाहता है और ये पी बाई टू इस वाले सरफेस को ऊपर सरका देना, ये पी बाई टू इसको क्या कर देना चाहता है ऊपर सरका देना चाहता है। और दूसरी बात और अगर हम यहां पर देखें तो ये पी बाई टू इतनी दूरी पर इसको ऐसे मोड़ देना चाहता है कि नहीं, ऐसे मोड़ देना, मोड़ देने से क्या ये ऐसे सरफेस बन जाएगा, ये इसको यहां से मोड़ देना, ऐसे मोड़ देना चाहता है, और कितना दौड़ मोड़ने का मोमेंट कितना होगा अगर ये दूरी एक्स है, अगर ये दूरी x है तो इस सरफेस पर मोड़ने का मोमेंट जो आएगा p बाई टू इंटू एक्स होगा, क्या होगा p बाई टू इंटू एक्स होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस सेक्शन पर हम पूछे कि कौन क्या करना चाहता है, इसने कहा शियर फोर्स सरकाना चाहता है और बेंडिंग मोमेंट मोड़ना चाहता है। ऐसे अगर हम इस सरफेस पर, यहां वाले सरफेस पर पूछे, अगर हम वहां वाले सरफेस पर आपसे पूछें तो क्या आपकी राय होगी, यहां वाले, तो सर इस वाले सरफेस पर भी अगर हम देखें तो सरकाने, अब ये तो बीच का, अब हमें ब्लैक से क्या लेना देना, हम डायरेक्ट इसको देखेंगे यही खड़े हुए, तो ये कहेगा सर अभी भी P बाई टू फोर्स ही ऊपर की तरफ, इतने पोर्शन को क्या करना चाहता है ऊपर की तरफ सरका देना चाहता, लेकिन अब मोड़ने का मोमेंट बदल जाएगा। अब मोड़ने का मोमेंट अगर हम यहां पर देखें तो अब ये दूरी बदल चुकी है, अब ये दूरी क्या है बदल चुकी है, अब दूरी बढ़ गई है, तो यही p बाई टू इस सरफेस पर ज्यादा मोमेंट डेवलप करे, शियर फोर्स तो वही डेवलप करेगा पर वहां पर मोमेंट इस प्लेन में ज्यादा दूरी तो ज्यादा डेवलप करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन यही आता है कि भैया हम सब लोग बीम के लेंथ के अलोंग अलग अलग सेक्शन कट करें और हर एक सेक्शन पर क्या करें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान निकालें, हम क्या करें यहां कट किए, किसी ने कहा नहीं और बगल कट करो, किसी ने कहा और बगल और बगल और बगल, तो हम हर जगह अलग अलग जगहों पर हम क्या कर रहे हैं सेक्शन कट कर रहे हैं और कट करके वहां पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को निकाल रहे हैं कि कितना टेंजेंशियल फोर्स है और कितना मोड़ देने वाला मोमेंट है, इसको हम निकाल रहे हैं। अब किसी ने कहा कि अगर आप लेंथ के अलोंग उसका ग्राफ बना दो कि कैसा बदलाव है इस बीम के लेंथ के अलोंग, क्योंकि हर एक सेक्शन पर हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है बदल रहा हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है जीरो भी हो सकता है किसी एक सेक्शन पर मोमेंट क्या हो जीरो भी हो, तो जो है हमें नहीं मालूम, हम बस ये आपसे कह रहे हैं कि उसका इस लेंथ के अलोंग वेरिएशन को प्लॉट कर दो। तो ध्यान रखिए शियर फोर्स का अलग अलग सेक्शंस में शियर फोर्स का अलग अलग सेक्शंस में शियर फोर्स का लेंथ के बीम के लेंथ के अलोंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही शियर फोर्स डायग्राम कहलाता। लेंथ बीम के लेंथ के अलोंग मतलब एक तरफ तो लेंथ रहेगा ही रहेगा, एक तरफ एक्सिस में ये दूसरे ये क्या रहेगा लेंथ रहेगा, तो लेंथ के अलोंग शियर फोर्स का
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही। अब यहां जब शियर फोर्स बोलेंगे हम, देखिए शियर फोर्स को हम वी एक्स से दिखाएंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है, तो शियर फोर्स को हम वी एक्स से दिखाएंगे, कुछ लोग एस एक्स से दिखाएंगे, कुछ लोग एफ से दिखाएंगे, तो तीनों एस एक्स भी हो सकता है, कुछ लोग एफ एक्स भी दिखा सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी। शियर फोर्स का लेंथ के अलोंग वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही शियर फोर्स डायग्राम कहलाता है। ऐसे ऐसे किसी भी बीम का लेंथ के अलोंग हर एक सेक्शन, देखो हर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट अलग अलग होगा, हर एक सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट अलग अलग होगा। तो देखिए लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट के, लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। अब हम ग्राफ बनाएंगे, हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे इसका, शियर फोर्स का। तो अब देखिए जहां 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 लोडिंग्स हो वहां वहां आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे यहां पे रिएक्शंस था, बीच में कोई लोडिंग नहीं, अगर लोडिंग हैवी कांस्टेंट रहते तो कोई दिक्कत, तो बीच में कोई लोडिंग नहीं, अचानक यहां लोड है, तो इसको उतने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। जितने आपके डिसकंटिन्यूटीज आएंगे उतना उतने आपको लाइंस खींचने पड़ेंगे। बस अब अगर हम इस सिचुएशन में ही, इसी सिचुएशन में ही, खैर इसी सिचुएशन में अगर हम आपसे कहें कि भैया आप हमें सारी चीजें बताओ, थोड़ा आप बहुत ईमानदारी से बताओ, हम कहे ठीक है बताते हैं, ठीक है। अगर हम इसी में कह रहे हैं कि यहां पर थे, यहां पर जस्ट, यहां पर जस्ट एकदम यहां पर थे, उस प्लेन में भी आपका शियर फोर्स कुछ था, इस प्लेन में भी शियर फोर्स कुछ था, क्या था, यही रिएक्शन था पी बाई टू, एकदम कोने पर गए, पूछे तो कह रहा यही पी बाई टू हमें छील के सरका देना चाहता, और जैसे आगे बढ़े हर जगह पी बाई टू, पी बाई टू, पी हर एक प्लेन में पी बाई टू ही तो सरका देना चाहता है, तो ऐसे हर जगह क्या रहा पी बाई टू कॉन्स्टेंट, हर एक प्लेन में पी बाई टू कॉन्स्टेंट रहा, अचानक से जैसे यहां एकदम इस पार थे पी बाई टू था, इस तरफ से इस पार थे तो क्या था पी बाई टू था ऊपर की तरफ, अब जैसे ही इस पार आए, जैसे तुरंत इस पार आए, इस पार जैसे आए तुरंत आप पी बाई टू ऊपर के बजाय, पी बाई टू तो कहेगा हम तो अभी हैं कहां, चले थोड़े गए, पी बाई टू ऊपर, लेकिन पी नीचे आ गया ना उस पार, अगर यहां पर हम खड़े होकर बात करें पूछे हालचाल तो कहेगा पी बाई टू तो ऊपर है लेकिन पी नीचे भी तो है, तो नेट क्या है इस सेक्शन पर, नेट क्या है पी बाई टू ऊपर और पी नीचे, पी बाई टू ऊपर पी नीचे, तो नेट आएगा नीचे की ओर पी बाई टू, ऊपर के बजाय नीचे की ओर पी बाई टू, तो नीचे तुरंत आएंगे, और अब हर जगह चाहे जिस सेक्शन पर देखिए हर जगह पी बाई टू नीचे नीचे, तो ये क्या होगा माइनस पी बाई, बस ऐसे सिंपल, मतलब हर एक सेक्शन में शियर फोर्स के वेरिएशन का ग्राफ बना दिया। अब इसको बन जाने से क्या फायदा है, क्या फायदा बताओ भाई, इसके बन जाने से क्या फायदा, तो अब हम डायरेक्टली यहां से कोई पूछे ग्राफ में देख लेंगे, वहां पर तुरंत बता देंगे सर यहां पी बाई टू शियर फोर्स, कोई यहां पर पूछे तुरंत यहां पर देख लेंगे, मतलब इस ग्राफ से हम इजीली ये बता सकते हैं कि किस सेक्शन में क्या शियर फोर्स है, किस सेक्शन में क्या शियर फोर्स है, ये हम आसानी से बता सकते हैं। अब जहां अब देखिए ऐसे बता तो सकते हैं, ऐसे में हमें यह भी पता चलता है कि किस सेक्शन में शियर फोर्स मैक्सिमम है, यहां तो कांस्टेंट था ये ऐसी सिचुएशन थी, अभी हमने कुछ कराया नहीं, पर इससे हम ये भी बता सकते हैं कि किस सेक्शन में शियर फोर्स मैक्सिमम है, और जब हमें मैक्सिमम शियर फोर्स वाला सेक्शन मिलेगा तो हम वहां पर चाहेंगे कि हमारा सेक्शन जो हो यहां पर शियर में जरूर मजबूत रहे,
क्योंकि यहां पर फेल सीयर फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या है मतलब आपको इंजीनियर सलाह ही तो देता है कि भैया यहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा है, इसको थोड़ा संभाल के चलो, पूरा पूरा सब कुछ सही है, सब कुछ एक जैसा बनाए तो वहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर सब कुछ एक जैसा बनाए और वहां जहां फेल होने के चांसेस ज्यादा है वो भी सेफ रहा तो पूरा मेंबर सेफ रहेगा। अरे भाई जब सब कुछ एक जैसा है और उसमें भी जहां फेल होने के चांसेस ज्यादा है वही बच गया तो सब तो बचे ही रहेंगे ना, और सब पे उतनी लोडिंग ही नहीं है, बात समझ। तो इससे इंजीनियर को क्या फायदा हो रहा है कि क्रिटिकलिटी को समझ पा रहा है कि कहां पर मेंबर क्रिटिकल है, ब्रेक होने के चांसेस कहां ज्यादा हैं। जैसे कैंटिलीवर बीम में हम आपको बताएंगे जो फिक्स एंड है वहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा, बात समझ में। ऐसे ही हर एक सेक्शन में मूवमेंट, अब जैसे यहां पर कुछ दूरी पर देखें तो P by 2 into X, अब X कम होगा तो बेंडिंग मोमेंट कम होगा, X ज्यादा होगा तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। अब यहां तक तो P by 2 into X चलेगा, लेकिन जब इस सेक्शन में आएंगे तो P by 2 into X के साथ साथ ये P उल्टा घुमाना चाहेगा ना, यहां पर अगर हम इस सेक्शन पे खड़े होकर पूछें तो ये P by 2 ऊपर ले जाना चाहेगा और P नीचे ले जाना चाहेगा, तो नेट जो निकालेंगे वो P by 2 into X और माइ इसका माइनस करेंगे, इसका क्या करेंगे माइनस, क्या P into X minus L by 2, ये दूरी कितनी बचेगी अगर यहां के लिए ये दूरी X हो तो, अगर यहां से ये दूरी x हो तो ये बची हुई दूरी क्या होगी l x माइनस l बाई टू। अरे भैया l बाई टू निकल गया x में से, तो इसके लिए जो दूरी होगी p p इंटू एक्स माइनस एल बाई टू होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अब इससे मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सिंबल समझें कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वही हम आपको बता रहे हैं, उसी को आपको फॉलो करना है, उसी से सारे क्वेश्चंस भी होंगे, वही क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ध्यान रखिए अब आपका आ गया साइन कन्वेंशन, अब आपका क्या आ गया साइन कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अभी हमने कुछ किया नहीं, समझदारी डेवलप करने की कोशिश की है बस। तो क्या है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब साइन कन्वेंशन में जैसे बीम है, ये बीम है, इसमें कुछ लोडिंग हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो सकता है, इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी W इतना किलो न्यूटन पर मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी सेक्शन में, अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में लेफ्ट साइड आपका अपवर्ड है, लेफ्ट साइड आपका क्या है अपवर्ड है, और राइट साइड अगर आपका डाउनवर्ड है तो इसको हम पॉजिटिव शियर मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे पॉजिटिव शियर। ये साइन कन्वेंशन है, क्या बोला फिर से मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, भूल गए सर हमें नहीं मालूम क्या आपने बताया, ये है क्या होता है, फिर से रट लेते हैं फिर से। अगर हम कहीं पर गए और पूछे और बात हुई हालचाल, तो अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड है, लेफ्ट साइड के सारे अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे और राइट साइड के सारे डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, तो ऐसा नहीं है, किसी भी सेक्शन पर आप जाएं राइट साइड से भी पूछ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी पूछ सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कहीं भी किसी भी सेक्शन पर आप खड़े हो, चाहे इधर से पूछ लें और चाहे इधर से पूछ ले, बसरते लेफ्ट साइड के अपवर्ड सारे पॉजिटिव होंगे और राइट साइड के डाउनवर्ड सारे पॉजिटिव। हम यहां पे खड़े होके इसका हम शियर फोर्स पूछ रहे हैं, बताओ क्या हाल है, तो इसने कहा कि भैया ये तो पॉजिटिव है और इसका जो लोड है वो निगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, इसका जो लोड है वो क्या है, निगेटिव है। ऐसे अगर हम राइट साइड से पूछते तो ये पॉजिटिव है, राइट साइड का डाउनवर्ड लोड पॉजिटिव होगा, राइट साइड का डाउनवर्ड लोड पॉजिटिव होगा और अपवर्ड लोड निगेटिव होगा। और लेफ्ट साइड का क्या होगा, लेफ्ट साइड का अपवर्ड लोड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड लोड निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिए। तो किसी भी सेक्शन में अगर आप लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के सारे अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड तो उल्टा डाउनवर्ड निगेटिव यार। अब दूसरा अगर हम यही बताएं आपको कि ऐसे है और अगर यहाँ इस लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है और राइट साइड क्या है अपवर्ड है तो ये निगेटिव शियर होता है, ये क्या होता है निगेटिव शियर होता है। तो कोई नई बात थोड़े, एक समझ लो दूसरी बात अपने आप समझ में आ जाती है कि लेफ्ट साइड के सारे अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो बाय डिफॉल्ट। अब देखिए इसमें अगर एक कुछ लोग ऐसे बता देते हैं कि अगर क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी हो लेफ्ट साइड से, अब जैसे राइट साइड में भी तो राइट साइड में क्लॉकवाइज वही घुमाएगा जो नीचे होगा, तो अगर क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी, जबकि बल क्लॉकवाइज नहीं होता भाई, मोमेंट है, कपल आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, बल अपवर्ड डाउनवर्ड तिरछा मिर्छा ये सब होता है ना, तो शियर फोर्स बल है ना कि मोमेंट, शियर फोर्स क्या है बल है, ये ध्यान रखिएगा। तो शियर फोर्स में अगर बलों की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घुमाने की तो पॉजिटिव, अगर ये थोड़ा एक ये क्या है स्टैटिक्स से हटके, स्टैटिक्स में हमारी क्या होती है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमारा अपना मानना होता था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये सिर्फ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ध्यान रखिए अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड हो और राइट साइड डाउनवर्ड हो पॉजिटिव, मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी हो तो पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी हो तो निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी हो तो निगेटिव। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है, अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है कहीं भी सेक्शन पे खड़े हुए ऐसे खड़े हुए लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है तो निगेटिव, राइट साइड अपवर्ड है तो पॉजिटिव। सिंबल याद रहेगा किसके लिए बताया हमने, किसके लिए बताया, शियर फोर्स के लिए बताया, शियर फोर्स के लिए सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और आगे बढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो बेंडिंग मोमेंट ध्यान रखिए, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मूवमेंट का जब साइन कन्वेंशन की बात आएगी तो अगर कहीं पर भी हम देखें कोई भी जितने भी बल इसको सैग कराना चाहे, जितने भी बल इसको ऐसे सैग, इसको हम सैगिंग बोलते हैं, ये ऐसे क्या कहलाएगा सैगिंग, इसको क्या बोलेंगे सैगिंग, इसका उल्टा क्या होता है हॉगिंग, इसका उल्टा क्या होता है हॉगिंग। तो जितने आपको सैग कराना चाहेंगे, जितने भी आपको सैग कराना चाहेंगे वो सारे फोर्स के मोमेंट पॉजिटिव लिए जाएंगे, जितने भी बल है, जैसे अब इसी बीम पर एक यहां बल था एक यहां बल, तो ये अगर हम यहां इस सेक्शन पर खड़े हैं, इस सेक्शन पर खड़े हम बाई साइड से बात कर रहे हैं, राइट साइड भी खैर उसका कुछ मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कुछ होगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस राइट साइड खड़े हैं और पूछ रहे हैं क्या मामला है, तो ये इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इस सेक्शन में ये फोर्स, इस सेक्शन को ये फोर्स सैक कराना चाहता है और ये फोर्स इसको क्या कराना चाहता है, यही फोर्स इसको क्या कराना चाहता है हॉक कराना चाहता। आप यहां खड़े होके पूछिए ना हालचाल, तो ये कहेगा कि भैया ये तो ऐसे मोड़ना चाहते थे ऊपर की तरफ ये नीचे वाले, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ये नीचे मोड़ना चाहते, तो जो नीचे मोड़ना चाहेगा वो हॉगिंग होगा,
सैगिंग ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, हॉगिंग में कम। तो खैर यहाँ पे सैगिंग कराने वाले सारे बलों का किसी एक सेक्शन पर ही बेंडिंग मोमेंट पूछा गया आपसे, हर एक सेक्शन का अलग अलग निकालेंगे और उसका ग्राफ बना देंगे। तो किसी भी सेक्शन पर जितने बल सैग कराना चाहेंगे वो आपके पॉजिटिव मोमेंट डेवलप करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, और जितने हॉग कराना चाहेंगे, इसको उल्टा, इसका उल्टा, ये क्या कहलाता है? हॉगिंग। ये क्या कहलाता है? हॉगिंग प्रोसेस। ये आपका क्या होगा? हॉगिंग प्रोसेस। तो हॉगिंग को निगेटिव लिया जाता है और सैगिंग को पॉजिटिव लिया जाता है। जितने बल सैग कराना चाहेंगे उनकी वजह से मूवमेंट पॉजिटिव होगा, जितने बल हॉग कराना चाहेंगे उनकी वजह से मूवमेंट निगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन है, इनवर्सल साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी यूज कर सकते, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन याद रहेगा ना, सबको समझ में आ गया। अब हम सब लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, एक दो ग्राफ बनाएंगे, कुछ इसके पॉइंट्स भी हम सब लोग करेंगे जो कई बार आता रहता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या होता है, अगर सडन लोड हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर कंसंट्रेटेड कपल है तो किस डायग्राम पर फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें हम सब लोग आने वाले अपकमिंग लेक्चर में बहुत डिटेल में कराएंगे, आपको पूरी सारी बातें एक एक कोना कोना कराएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही। तो अब हम बेंडिंग मोमेंट में हमने आपको दो तीन बातें बता दी कि किसी भी प्लेन में टोटल ट्रांसवर्स, नेट ट्रांसवर्स फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं, किसी भी प्लेन में ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट नेट मूवमेंट को, ढेर सारे लोडिंग होंगे तो सबका नेट लेंगे ना, कुछ सैगिंग कराएंगे, कुछ हॉगिंग कराएंगे, तो सबका जो नेट आएगा, अब हॉगिंग ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा भाई, सैगिंग ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। तो किसी भी प्लेन में नेट नेट ट्रांसवर्स मूवमेंट को, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट के मूवमेंट को क्या कहते हैं? बेंडिंग मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? टॉर्क। वो क्या कहलाता है? टॉर्क। तो अब हमने आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर करके बता दिया है, अब अगली बारी है ग्राफ की। तो इस पूरे साइन कन्वेंशन को आप सब लोग एक साथ नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, साइन कन्वेंशन कई लोग को समझ में नहीं आता है। तो सैगिंग और हॉगिंग ये सारी चीजें, अगर कोई बल, अब देखिए सैगिंग को एक दो वर्ड और बोल देते हैं, अगर हम ऊपर से देखें ये सैगिंग है, ये आपका क्या है? सैगिंग है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो दबा हुआ है, दबे हुए सरफेस को अवतल बोलते हैं भाई, दबे हुए सरफेस को अवतल और उभरे हुए को उत्तल। आप देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो ये ऊपर से तो क्या होगा? ये क्या होगा? अवतल है, कहां से? ऊपर से, क्योंकि यही चीज अगर नीचे से देख लो ना तो उभरा हुआ दिखेगा। अगर आपका जो लोटा है ना वो अंदर से दबा हुआ है तो बाहर से उभरा हुआ, ये भी ध्यान रखे, देखने का नजरिया होना चाहिए। तो ये क्या है? ऊपर से दबा हुआ, तो ये क्या कहेगा? कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड। देखिए वर्ड्स का खेल है, समझ ली एक बार ना तो बातें बहुत आसान, संधि विच्छेद करके समझ। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव मतलब अवतल होता है, कॉनकेव मतलब क्या होता है? अवतल। तो कॉनकेव अपवर्ड अगर है तो पॉजिटिव है, क्योंकि सैगिंग को ही ये नाम दे दिया गया है, ये नाम क्या है? सैगिंग को ही दे दिया गया है, सैगिंग ही कॉनकेव अपवर्ड होता है, या इसी को उल्टा बोल सकते हैं कॉनवेक्स डाउनवर्ड, इसे क्या बोल सकते हैं? कॉनवेक्स डाउनवर्ड। नीचे से कॉनवेक्स हो और ऊपर से कॉनकेव हो तो सैगिंग है, उस समय बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। इसी में अगर हम हॉगिंग को बात करें तो हॉगिंग क्या होगा? कॉनवेक्स अपवर्ड, कॉनवेक्स अपवर्ड, अपवर्ड से कॉनवेक्स और कॉनकेव डाउनवर्ड।
बात समझ में आ रही ना, तो वर्ड्स में मत जाइएगा। कॉनकेव का मतलब होता है उत्तल, कॉनवेक्स का मतलब होता है उत्तल, और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। क्लियर? तो अब हमसे लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। साइन कन्वेंशन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। अभी हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जस्ट एक रेफरेंशियल फीलिंग आपको दी है, समझदारी आपको दी है। अभी हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम पे बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से कराएंगे और खूब डिटेल में कराएंगे। बस आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए। अगर आपका प्यार, आपका व्यवहार, दुलार, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब बने रहे तो हम आगे आने वाले समय में बहुत ढेर सारे लेक्चर्स लेके आएंगे। सारे सब्जेक्ट के कवरेज हम करेंगे, पर उसमें टाइम लगेगा। उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।